हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे एंसिबल की प्ले बुक्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एंसिबल की मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह और उसके अलावा उस पे बेसिक कमांड्स वगैरह और मल्टीपल हमने सर्वर्स देखे थे, मैनेज सर्वर, कंट्रोल नोड, और उसके अलावा हमने पाइथन वगैरह उस पे वर्जन चेक किया था उसका, मल्टीपल कमांड्स रन करके देखी थी और SSH करके भी देख लिया था हमने कि की किस तरह से रखते हैं, और हमने डिफरेंट चीज़ें करके देखी थी उस पर। तो उस वीडियो में आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे रन करनी है एंसिबल पे, कैसे एंसिबल के डिफरेंट नोड्स पे आपने चीज़ें रन करनी है कंट्रोल प्लेन से। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्ले बुक्स बना के उसके अंदर पूरी अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेटअप कर लेंगे और उसको रन करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपने फोल्डर में खड़ा हूँ, PWD होम एंसिबल जो मैंने सर्वर पे फोल्डर बना दिया था मैं इसमें आ गया। इसमें मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ प्ले बुक्स के नाम से, आप भी इसमें एक फोल्डर बना लें। फोल्डर बनाने के लिए मेक डायरेक्टरी प्ले बुक फोल्डर ऐसे एक इंटर कर दें तो आपके पास ये एक फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस फोल्डर के अंदर चले हैं, फोल्डर के अंदर आ गए। इसके अंदर अब हमें क्या करना है, इसके अंदर अब हमें प्ले बुक्स लिखनी है। और प्ले बुक्स किस लैंग्वेज में लिखी जाती है, वो लिखी जाती है YAML में। ठीक है, तो मैं प्ले बुक, मैंने अपने पास एक लिस्ट बनाई हुई है, इसको ही मैं इससे प्ले बुक बनाऊंगा। ठीक है, तो पहले वैसे मैंने प्ले बुक भी तैयार की हुई है, जिसमें मैंने, अगर मैं आपको विम करके दिखाऊँ ये प्ले बुक, तो इसके अंदर मैंने जो मेरे पास कॉन्टेंट है वो मैंने कॉपी किया हुआ है इसके अंदर ना, तो ये मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर दूंगा। तो आपको इस सिंपली आप अगर इसको यूज़ करके प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखते हैं, इसमें YAML लिखी हुई है। ठीक है, इसमें YAML को स्टार्ट करने का तरीका ये होता है कि आप पहले तीन डैश राइट कर दें, मतलब तीन डैश लगा दें सबसे पहले ना। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक डैश का मतलब होता है एरे। ठीक है, अच्छा ये तीन डैश हमने शुरू में लगा दिए, उसके बाद हमने हमने एक कुछ नया काम स्टार्ट करना है इसमें, तो हमें पहले डैश लगाना पड़ता है और डैश का मतलब होता है एरे। ठीक है, अच्छा अब हमने इसमें होस्ट बता दिए, होस्ट में हमने जैसे पहले लिखा था ना ऑल, तो हमने होस्ट बता दिया कि भाई सारे सारे होस्ट जितने भी होस्ट हैं सब पे, होस्ट हमने सब बता दिए। अब होस्ट पे करना क्या है, तो उसको हम बोलते हैं टास्क, कि भाई आपने इन सब होस्ट पे ये टास्क करना है, ये टास्क परफॉर्म करना है। अब जैसे होस्ट हमने हो सेम कमांड की, मतलब सेम लेवल की कमांड थी होस्ट, इसके बाद टास्क, तो ये हमारे पास कोई स्पेस नहीं है। लेकिन टास्क के अंदर डिफाइन करेंगे हम कि भाई टास्क के अंदर अब क्या करें, टास्क के अंदर क्या टास्क। ठीक है, तो हमें यहाँ, अच्छा इसमें ना आपने दो स्पेसेस देने होते हैं, जैसे डैश दिया फिर उसके बाद एक स्पेस फिर आगे। ठीक है, इसी तरह आपने टास्क लिखा है, तो टास्क में ये का आपने कॉलन लगाना है। ठीक है, कॉलन इधर लगेगा, यहाँ पे आपने जो है ना होस्ट के बाद लगेगा, टास्क के बाद लगेगा। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या किया, टास्क डिफाइन किए, टास्क लिखे और उसके बाद उसके टास्क डिफाइन कर लें, तो आप इसके नीचे आए अपने एक स्पेस दो स्पेस, इसके बाद से आपने एक और एरे खोल लिया। ठीक है, अब एरे क्योंकि टास्क मल्टीपल हो सकता है, तो इसलिए हमने एरे ओपन कर लिया यहाँ पे। ठीक है, एरे किया, इसके बाद अब इस एरे के अंदर टास्क के अंदर इस टास्क का कोई नाम होगा, तो हमने नाम के अंदर मेंशन कर दिया भाई पिंग ऑल सर्वर। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से पिंग सर्वर रख सकते हैं या ऑल सर्वर रख सकते हैं, जो भी रख सकते हैं आपकी मर्जी है। ठीक है, ये तो हो गया नाम, लेकिन अब कोई एक्शन भी करता होगा, ये टास्क है, टास्क का कोई नाम है, नाम हमने रख लिया। इसके बाद इस टास्क का कोई काम भी होगा, ये टास्क कुछ करता भी होगा, तो ये टास्क क्या करता है, हमने एक्शन में बता दिया भाई ये टास्क पिंग करता है, ये पिंग करके देखेगा सारे सर्वर्स को ना। हमने होस्ट में बताया कि भाई मेरे सारे होस्ट पे जाओ, और एक्शन में टास्क में मैंने बता दिया कि भाई एक्शन करो आप पिंग, तो ये पिंग करेगा सारे सर्वर्स को। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और एरे खोला, मतलब ये सेकंड टास्क स्टार्ट हो गया। जैसे मैं एक एरे ओपन करता हूँ ना, तो एक टास्क टास्क नंबर वन हो जाता है, जैसे मैंने सेकंड एरे ओपन किया ये टास्क नंबर टू हो गया। तो इस टास्क के अंदर क्या किया मैंने, डीबग, डीबग क्या करता है, प्रिंट कराता है, प्रिंट कराता है। अब इसके अंदर मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया हुआ, मैसेज मैंने क्या प्रिंट कराया, हेलो, तो ये मुझे हेलो शो करेगा, मुझे टास्क नंबर टू मेरा सिर्फ एक मैसेज हेलो का मैसेज शो कराता है, प्रिंट कराता है, तो वो मुझे दिख जाएगा। ठीक है, मेरे सेकंड टास्क के लिए, अच्छा अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये तो सारे सर्वर्स पे चलाई थी ये कमांड, मैंने इसमें सारे सर्वर सारे होस्ट डिफाइन किए थे, जब मैंने इधर होस्ट लिखा था तो मैंने इसमें ऑल लिख दिया था, ये सारे सर्वर्स पे ये काम कर रहा था, पिंग करके देख रहा था कि मेरे सारे सर्वर्स पिंग हो रहे नहीं हो रहे। ठीक है, लेकिन अब मैं स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ इस सर्वर पे, जैसे अब मुझे एक सर्वर पे स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, तो मैंने इधर होस्ट के साथ
उस सर्वर का नाम लिख दिया, उस ग्रुप का नाम लिख दिया जो हमने ग्रुप बनाए हुए ना, एनसीवेल होस्ट के अंदर जो ग्रुप बनाए हुए, मतलब जो हमने इन्वेंट्री फाइल के अंदर ग्रुप बनाए हुए थे ना, वो हमने ग्रुप का नाम लिख दिया यहाँ पे U12, और इसको टास्क असाइन कर दिया कि आपने प्रिंट कराना है ये मैसेज, हेलो टू U12। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। रन करने का तरीका बहुत ईजी है, प्ले बुक के अंदर ही डायरेक्टरी में खड़े हैं, हम काम करते हैं, हम इसको यहाँ से रन करते हैं, क्योंकि हमारी जो एनसीबल की कॉन्फिक फाइल पड़ी हुई इन्वेंट्री वो यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टरी बताते हैं कि आप प्ले बुक में जाओ और यहाँ से रन करो, तो यहाँ से एनसीबल की होस्ट फाइल मिल जाएगी, तो ये प्रॉपर इस पर रन करेगा काम सारे ना। ठीक है, अब इसने देखें दोनों सर्वर पे गया, ऑल लिखा था हमने, तो ये दोनों सर्वर पे गया, दोनों सर्वर को इसने पिंग किया, पिंग ऑल सर्वर। पहला टास्क हमारा यही था कि दोनों सर्वर को आप पिंग करो, इसने पिंग कर लिया दोनों सर्वर को, ओके ओके। फिर हमने कहा था इसको कि भाई आप दोनों सर्वर पे हेलो मैसेज रन कर दो, टास्क नंबर टू हमारा यही था कि हेलो मैसेज प्रिंट कर दो। ठीक है, फिर हमने U12 सर्वर पे रन किया था एक टास्क जिसमें हमने कहा था हेलो टू U12, तो इसने क्या किया, गैदरिंग फैक्ट्स आपका जब भी आप कोई होस्ट पे काम करेंगे तो ये पहले उस होस्ट की गैदरिंग फैक्ट्स करता है। ठीक है, तो ये हर बार होगा टास्क, जब भी आप प्ले बुक रन करेंगे ये टास्क होगा। ठीक है, तो U12 पे भी इसने गैदरिंग फैक्ट्स किए, फिर उसके बाद इसने क्या किया, ये गैदरिंग फैक्ट्स किए टास्क होके, उसके बाद हमने इसको कहा था हेलो टू U12 का मैसेज प्रिंट करना, इसने टास्क में डिबग किया, डिबग लगाया था हमने डिबग कराने के लिए, प्रिंट कराने के लिए, तो इसने डिबग किया और ये मैसेज प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो आपने अगर प्लेबुक की डायरेक्टरी के अंदर से रन करेंगे तो वो शायद उसको इन्वेंट्री फाइल ना मिले, तो वो कुछ और रन करना शुरू कर देगा, वो आपका डिज़ायर रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो आप एक काम करें, आप इसको वहाँ से रन करें जहाँ पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल एनसीबल होस्ट वगैरह जहाँ पे आपके पड़े हुए ना, तो वहाँ से आप इसको रन करें। इस तरह से आप इसकी डायरेक्टरी का नाम दे दें और डायरेक्टरी के नाम के अंदर जो आपने फाइल रन करनी है उसको रन कर दें, तो ये प्रॉपर काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये इसका गैदरिंग फैक्ट्स करता है हमेशा और उसके बाद टास्क परफॉर्म करता है, तो हमारे पास चीज़ें आ गई। ठीक है, अब ये क्या है इसको हम देखते हैं। इसमें ये है कि हमारे पास इसने क्या किया, इसने सेंटोस पे कितने टास्क रन किए, इसने सेंटोस पे एक टास्क रन किया, सेंटोस ऑल मतलब U12 और सेंटोस और U12 अलग से भी। ठीक है, सेंटोस पे इसने एक टास्क रन किया गैदरिंग फैक्ट, सेंटोस पे एक और टास्क रन किया पिंग ऑल, फिर इसने सेंटोस पे एक और टास्क रन किया हेलो। ठीक है, और ये सारे काम इसने U12 पे भी किए हैं और सेंटोस पे भी किए हैं, क्योंकि हमने ऑल लिखा था, ऑल का मतलब सारे सर्वर्स। ठीक है, उसके बाद इसने दोबारा U12 पे अलग से गैदरिंग फैक्ट्स किए, फिर उसके बाद इसने U12 पे अलग से डीबग चलाया हेलो टू U12, तो U12 पे 1 2 3 4 5 टास्क हो गए और सेंटोस पे सिर्फ ये 3 टास्क थे, तो ये वही बता रहा है कि मैंने सेंटोस पे 3 टास्क रन किए और U12 पे मैंने 5 टास्क रन किए, क्योंकि U12 पे हमने अलग से 2 टास्क रन करवाए, एक टास्क रन करवाया लेकिन एक ही खुद रन करता है गैदरिंग फैक्ट, ये एक टास्क है ये रन करता है इसको काउंट करता है, ये मेरे पास 5 हो गए। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि प्लेबुक कैसे रन होती है और सिंपली हमने प्लेबुक में पिंग वगैरह और प्रिंट मैसेज करके देखा। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसके आगे मजीद। थैंक यू।